तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो है केमिकलिटिक्स का एनसीआरटी बुक से इंटेक्स 4.7 का, जिसमें कि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट किसी भी रिएक्शन का, जो के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसका, या उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग का इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसके कारण से वो मॉलिक्यूल्स आपस में तेजी से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, टकराना स्टार्ट कर देते हैं। और टकराते टकराते क्या होगा, जितना तेजी से टकराएंगे, कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तेजी से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब ये हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, या रेट कॉन्स्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब कितना इंक्रीज होता है, तो ये कितना इंक्रीज होता है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट भी किए हैं, फॉर्मूला डिराइव किए हुए हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग डिराइव किए हुए हैं। आप लोग के पास भी डेरिवेशन होगा ही, डिराइव्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करता है, तो इसके लिए थ्योरेटिकल यहाँ पर स्टेटमेंट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट कॉन्स्टेंट डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, डबल, कभी भी ट्रिपल भी होता है, वो डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर कॉफिशियंट का नेचर कैसा है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि रिएक्टेंट है ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, अगर ये हमारा क्या कहते हैं T1 टेम्परेचर पर रेट कॉन्स्टेंट हमारा K1 है या K है, तो यही रिएक्शन जो हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर केवल T1+10 कर दिया जाए तो यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट डायरेक्टली 2K हो जाएगा। वही हमारा यहाँ पर जो है इसी रिएक्शन में और 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए, T1+10+10 कर दिया जाए, तो जो यहाँ का हमारा रेट कांस्टेंट है उसका ये डबल हो जाएगा, मतलब 2K से कितना हो जाएगा, 4K एंड एक्सेट्रा, ये आगे बढ़ते जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल है। अब ये किस फॉर्मूला से लिया गया है, तो आरहेनियस इक्वेशन में जो ये फॉर्मूला आया था, के इज इक्वल टू ए गुना ई टू दी पावर माइनस ई ए बट आर टी, और इसी से जो हम लोगों ने डिराइव किया था दो कंडीशंस लेकर के, T1 और T2 टेम्परेचर पर, याद ही होगा आपको क्या आया था हमारा, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू टू क्या कहते हैं ई ए बट 2.303 इंटू आर 1/T1 -1/T2। यहाँ T1 फर्स्ट टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, और T2 फाइनल टेम्परेचर है। यहीं पर क्या करना है, T2 के प्लेस पर T1+10 पुट कर देना है। तो ये K1 है T1 पर रेट कांस्टेंट, ये K2 है T2 पर रेट कांस्टेंट, R का मान तो कांस्टेंट ही है, गैस लॉ कांस्टेंट है, और ये जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस सवाल को देख करके यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि K1 T1 टेम्परेचर पर K1 क्या था, तो T2 टेम्परेचर पर K2 क्या हुआ। यहाँ से ही हम लोग ये निकाल पाते हैं कि जब T2 टेम्परेचर हमारा T1 से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है तो K1 से 2 गुना क्या हो जाता है, K2 हो जाता है। यहाँ पर एक टर्म भी आता है टेम्परेचर कॉफिशियंट का, टेम्परेचर कॉफिशियंट का एक टर्म आता है जिसका वैल्यू क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट, जो हमारा रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा रेट कांस्टेंट आया है, डिवाइड कर देना है रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर, यानी टी टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट का मान है वो ले लेना है, ऊपर में क्या रखना है, T+10 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट का जो मान आया है वो लेना है, डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगा वो टेम्परेचर कॉफिशियंट का आएगा, और जनरली ये कितना आता है वैल्यू, ये 2 आता है, ये 2 ही टेम्परेचर कॉफिशियंट कहलाता है। तो यानी कि क्या हम लोग को लिखना है, आंसर में लिखना है हम लोगों को कि यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, व्हेन टेम्परेचर इज
रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, देन रेट कांस्टेंट डबल होगा तो रेट भी डबल हो जाएगा, देन रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल, ठीक है। कभी कभी ये ट्रिपल भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो डबल होता है या ट्रिपल होता है, इसको हम लोग टेम्परेचर कॉफिशियंट बोलते हैं। डबल होना कि नहीं होना वो डिपेंड करेगा एक्टिवेशन एनर्जी पर, डबल होना या ट्रिपल होना डिपेंड किस पर करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो हमारा कैलकुलेट किया जाता है थ्योरेटिकली, वो आरएनएस के इक्वेशन से किया जाता है। जो इक्वेशन ये था उसका डिडक्शन ये लाया गया था, ये भी आप लोग की कॉपी में मेंशन होगा ही, पहले से आप लोग निकाले ही होंगे। और इस पर कई सारा सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, इस वाले फॉर्मूला पर रखा हुआ है सवाल सब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी इक्वेशन से पता चलता है कि टेम्परेचर का हमारे रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है रेट कांस्टेंट पर या रेट ऑफ रिएक्शन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।